उनके बयानों में धार भी था, कुछ अंगार भी था, जो नहीं था एक समुदाय विशेष के लिए प्यार नहीं था। जी हाँ, ये जनाबे आला कोई और नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं, जिनके समुदाय विशेष के खिलाफ दिए एक बयान को सूबे की पुलिस ने तो बड़े हल्के में लिया, यहां तक कि प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई। लेकिन मामला जब कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा तो पुलिस को सीएम साहब के खिलाफ मामला दर्ज करना ही पड़ा। कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीफ की उस शिकायत पर दिया जो उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को दिसपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन्होंने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर घृणा फैलाने और असम के दरांग जिले में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि इस घटना के बाद पुलिस फायरिंग में दो लोगों की जान भी चली गई थी। सांसद अब्दुल खलीफ की शिकायत पर पुलिस ने जब औपचारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया तो खलीफ ने गुवाहाटी में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की। इसकी सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए। गौरतलब है कि पुलिस को दिए अपने शिकायत पत्र में बारपेटा के सांसद ने 10 दिसंबर 2021 को मोरीगांव जिले में शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के भाषण के एक हिस्से का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने गुरुखुटी निष्कासन अभ्यास को 1983 की घटनाओं के लिए बदला लेने की कार्रवाई के रूप में बताया था और शर्मा पर उसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप भी लगाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।